देश भर में 4,033 विधायक हैं, उसमें से आधे विधायक कांग्रेस में शामिल। बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले नतीजे आए थे चुनाव के, और गुजरात और जहां बीजेपी फिर से सरकार गुजरात में बनाई है वही कामयाबी रही, और वहीं उसको पछाड़ कर कांग्रेस ने हिमाचल में 5 साल बाद वापस सरकार बना ली है। बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीत ली है, इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ऐसा दावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। वहीं गुजरात और हिमाचल के नतीजे सामने आने के बाद में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ गई, वहीं कांग्रेस में विधायकों की संख्या और ज़्यादा डबल हो गई। हालांकि देश में सबसे ज़्यादा विधायकों की मामला में कांग्रेस अब आगे निकलता जा रहा है और वो एक मजबूत पार्टी बनते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक 28 राज्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी ने मिलाकर देश भर में 4,033 विधायक हैं। सबसे ज़्यादा विधायक कांग्रेस के पास है बताया जा रहा है। बीजेपी के पास 771 और कांग्रेस के पास 1,370 विधायक हैं ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के, जिसके विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा होने पर उसे बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाया जा रहा है और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और यह बीजेपी का सबसे बड़ा गिरते हुए सरकार माना जा रहा है। देश भर में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा उत्साह का किरण देखा जा रहा है। तो यही है कि बीजेपी जितने भी सरकार है वो बीजेपी से छूटकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी हुई बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।